दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए बड़े काम की होने वाली है, क्योंकि आज मैं जिस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताने वाला हूँ वो प्रॉब्लम आपने भी कभी न कभी जरूर फेस की होगी, और वो प्रॉब्लम है ये। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अशोक और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल अशोक अटैक। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आप सभी के ईयरफोन में ये प्रॉब्लम कभी ना कभी जरूर आई होगी कि वो इस जगह से क्रैक होकर खराब हो जाते हैं, या कई बार क्रैक भी नहीं होते पर उनमें ये होता है कि वो यहीं से हिलाने से कभी चलते हैं और कभी नहीं चलते, या कभी एक स्पीकर में आवाज आती है और यहाँ से हिलाने के बाद फिर दोनों स्पीकर में आवाज आने लगती है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको वो सॉल्यूशन बताऊंगा जिससे आप अपनी सभी इस तरह की खराबी वाली लीड को खुद से ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं ये ईयरफोन यहाँ से टूट गया है। अगर आपका ईयरफोन टूटा नहीं भी है और उसमें ये कभी आवाज आने और कभी नहीं आने वाली प्रॉब्लम है तो उसको भी आप यहाँ से कट कर लीजिए। अब वायर को जहां से हिलाने वाली प्रॉब्लम थी वहां से 1 सेंटीमीटर छोड़कर फिर से काट लें। अब इस वायर की ऊपर वाली स्लीव हटानी है, लेकिन दोस्तों ये स्लीव स्ट्रिपर या कटर से नहीं हटेगी। इसके लिए आप इस आयरन को ऐसे सोल्डरिंग आयरन पर रखें और जब स्लीव मेल्ट होने लगे तो उसे ऐसे हाथ से पकड़कर खींच लें। अब यहाँ पर आपको लगभग सभी ईयरफोन में 4 वायर मिलेंगी, जिनमें 2 लेफ्ट और राइट स्पीकर के लिए, 1 माइक के लिए और 1 कॉमन ग्राउंड जो माइक और स्पीकर दोनों में जाती है। अब दोस्तों इस पिन की स्लीव हटानी है। दोस्तों ये थोड़ा रिस्की है क्योंकि पिन काफी छोटी है जिसे पकड़कर रखना थोड़ा मुश्किल है और इसकी स्लीव भी थोड़ी हार्ड है, तो आप इसे बड़ी सावधानी से करें नहीं तो आपको इससे चोट भी लग सकती है। तो दोस्तों ये है 3.5 mm की जैक पिन। इसमें 4 पॉइंट बने होते हैं, 1, 2, 3, 4। इनमें ये फर्स्ट और सेकंड स्पीकर के होते हैं, ये थर्ड ग्राउंड है और फोर्थ माइक के लिए है। सेम ऐसे ही 4 पॉइंट पीछे बने होते हैं जिनसे वायर कनेक्ट किए जाते हैं। दोस्तों ये जो वायर है इनका कलर कोड होता है, ग्रीन और ब्लू स्पीकर के लिए है, रेड माइक के लिए और गोल्डन ग्राउंड होती है। तो आप इन्हें सर्किट डायग्राम के हिसाब से सोल्डर कर दीजिए। अब इसको एक बार टेस्ट कर लेते हैं। ये देखिए लेफ्ट स्पीकर में साउंड आ रहा है और ये राइट स्पीकर में भी साउंड आ रहा है। इसका मतलब हमारे कनेक्शन ठीक लगे हैं और दोनों स्पीकर भी हमारे सही हैं। अब दोस्तों हमें इन वायर्स को कवर करना है क्योंकि ये वायर बहुत ही पतले होते हैं, थोड़ा सा हिलाने से ही टूट जाएंगे।
ये काम श्रिंक स्लीव या सिर्फ हॉट ग्लू से नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब हम ईयरफोन को मोबाइल फोन के जैक में डालते और निकालते हैं उस वक्त पिन पर काफी जोर पड़ता है जिसे हॉट ग्लू नहीं सह पाएगा। तो इसके लिए हम लेंगे ये पेन कवर। इसके सामने वाले हिस्से को घिसकर हम जब तक होल को बड़ा करेंगे जब तक इसमें ये पिन क्रॉस नहीं हो जाए। दोस्तों जब इस पेन कवर का साइज इस पिन के बराबर हो जाए अब इस पेन कवर को लगभग 2 सेंटीमीटर से काट लेंगे। तो इसको यहां फेविक्विक से चिपका दीजिए। और थोड़ी फेविक्विक आप इसके अंदर पीछे से भी डाल दीजिए। दोस्तों वैसे तो इस पेन कवर में हम हॉट ग्लू भरेंगे लेकिन फिर भी ये वायर खींचकर निकल सकती है, तो हमें ये करना है कि ये वायर इस पेन कवर के साथ फेविक्विक से चिपकानी है। लेकिन दोस्तों ये वायर इस तरह से साइड में चिपकी हुई तो बड़ी बेकार दिखेगी, क्योंकि ईयरफोन में तो ये वायर बिल्कुल सेंटर में होती है, तो इसके लिए हमें कुछ जुगाड़ सोचना पड़ेगा। दोस्तों इसका एक सिंपल सॉल्यूशन तो ये है कि आप इस कवर को थोड़ा और छोटा करो और यहाँ पर एक कट लगा के इस वायर को यहीं पे फेविक्विक से चिपका दो और हॉट ग्लू से कवर करके इसको इस तरह की एल टाइप पिन बना सकते हैं। लेकिन अगर हमें सीधी पिन बनानी है तो इसके लिए हम छोटा सा एक हार्ड प्लास्टिक का टुकड़ा इस वायर और पेन कवर के बीच में चिपका देंगे। ये देखिए अब इस वायर पर कितना भी खिंचाव आए ये अंदर से टूटकर नहीं निकल सकती। अब इसकी खाली जगह में हॉट ग्लू भर देंगे। और हॉट ग्लू को थोड़ा बाहर भी रखेंगे इसकी ये टेल बनाने के लिए, जिससे कि वायर एक ही जगह से ना मुड़े और थोड़ी फ्लेक्सिबल रहे, जैसा कि आप सभी ईयरफोन्स में देखते हैं। अब दोस्तों फेविक्विक सूखने के बाद जो लास्ट वाला रिंग है इस पे थोड़ी फेविक्विक बाहर भी आ गई होगी, जिसे आप नाइफ से साफ कर लीजिए। और ये लीजिए ईयरफोन यूज करने के लिए एकदम रेडी है। तो दोस्तों जल्दी से सभी ड्रॉर्स में उस ईयरफोन को ढूंढिए जिसके लिए आप हमेशा सोचते थे कि इसको फेंक दूं या पड़ा रहने दूं, आज उसका सही इलाज हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, और अगर आपको भी ऐसा लगता है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि भाई ईयरफोन तो किसी का भी खराब हो सकता है ना।
और ऐसे ही और यूजफुल वीडियो देखने के लिए अशोका टेक चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अच्छा दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।